आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, तो आप इस क्वेश्चन में दे रखा है कि एक चित्र में दिखाया गया है एक ठोस बेलन को एक चिकनी सतह पर रखे समान द्रव्यमान और 25 मीटर लंबाई के तख्ते को तख्ते के एक कोने पर रखा जाता है। बेलन और तख्ते के बीच में घर्षण गुणांक दे रखा है 0.5 और दाई ओर इसको वेग दिया जाता है 20 मीटर प्रति सेकंड। वह समय ज्ञात कीजिए जब तख्ता और बेलन अलग हो जाएंगे और जी का मान आपको लेना 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो देखते हैं आपको क्या क्या दे रखा है कि यहाँ पर तो चिकनी सतह है, इसलिए घर्षण गुणांक कितना 0 और यहाँ पर आपको घर्षण गुणांक दे रखा है 0.5 और दोनों का भार समान यानी कि द्रव्यमान, तो इसका भी एम ले लेते हैं और इसका भी कितना ले लेते हैं एम। तो अब होगा क्या, इसको समझने के लिए डायग्राम और बनाते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, ये मान लिया आपके पास ठोस बेलन है। अब जैसे ही आपको इस ब्लॉक को क्या बोला कि इधर वेग दिया जाता है 20 मीटर प्रति सेकंड का, ठीक है ना। तो जैसे ही आप 20 मीटर प्रति सेकंड का वेग दोगे किसको, इस तख्ते को, तो तख्ते का हर बिंदु आपके पास क्या करेगा 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलना चाहेगा, क्योंकि जो वेग इसका है तख्ते का होगा वही इसके हर बिंदु का होगा। तो एक बिंदु यहाँ पर देखे जो दोनों के संपर्क में है ना, जो तख्ते पर भी है और बेलन पे भी है। तो तख्ते के हिसाब से देखा जाए है ना, और इसके बेलन के हिसाब से देखें, तो तख्ते के हिसाब से तो अगर मान लीजिए बिंदु को नाम देते हैं अपन पॉइंट पी, मतलब पी नाम देते हैं, तो इस बिंदु का वेग जो होगा वी पी वो भी कितना होना चाहिए 20 मीटर प्रति सेकंड, है ना, क्योंकि ये तख्ते पर है। लेकिन अब ये बिंदु पी बेलन के साथ भी संपर्क में, और आपके पास शुरुआत में बेलन तो स्थिर अवस्था में है, तो अगर प्योर रोलिंग होनी है आपके पास, है ना, यानी प्योर रोलिंग का मतलब कोई फिसलन नहीं हो दोनों के बीच में, तो जो इस बिंदु का वेग तख्ते के सापेक्ष होगा वही इस बिंदु का वेग किसके सापेक्ष होना चाहिए इस बेलन पर। तो यानी कि इस बेलन का जो बिंदु स्थिर अवस्था में दिख रहा है तो इसको क्या करना चाहिए, इसको 20 मीटर से आगे चलना चाहिए। तो इसको आगे ले जाने वाला कौन सा फोर्स होगा, फ्रिक्शन होगा, वो इस दिशा में लगेगा आपके पास, क्योंकि और कोई फोर्स नहीं है जो इस बिंदु को आगे खींच सके, इसको तो आप बाहर से वेग दे रहे हो, तो इस पर क्या होगा फोर्स लग जाएगा ये, है ना, उसका जो आपके पास तो इधर फोर्स लगेगा, ठीक है, उसकी वजह से ये फोर्स क्या करेगा इस पर टॉर्क उत्पन्न कर देगा, ठीक है ना, क्या कर देगा टॉर्क उत्पन्न, यानी कि ऐसे घुमाने लग जाएगा इसको। मान लीजिए एंगुलर एक्सेलरेशन है अल्फा सी, इसके केंद्रीय द्रव्यमान का मान लीजिए आपने बोल दिया कोणीय त्वरण अल्फा सी है, ठीक है, उसका सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेशन बोल दिया अपन ने ए सी है, ठीक है, और इसकी त्रिज्या बोल देते अपन आर, कितनी है आर। तो प्योर रोलिंग के लिए आपके पास ए सी बराबर क्या होना चाहिए आर अल्फा होना चाहिए, ठीक। अब देखो, तो सबसे पहले तख्ते के लिए समीकरण लिखें, तख्ते के लिए समीकरण क्या होगी आपके पास न्यूटन की एफ बराबर एम ए, है ना, क्योंकि तख्ता रेखीय वेग कर रहा है, तो यानी कि फोर्स एफ बराबर एम ए, ठीक है। तो मान लीजिए बिंदु पी है तो पी का एक्सेलरेशन लिख लिया आपने, और एफ कितना होगा फ्रिक्शन म्यू एन के बराबर, बराबर क्या होता है एम ए पी, एन का मान कितना होगा एम जी के बराबर, यानी कि म्यू एम जी, यहाँ देखोगे आप है ना, तो इस पर क्या होगा mg तो लग रहा होगा नीचे की ओर, ठीक है ना, और इस पर प्रतिक्रिया बल लग रहा होगा नॉर्मल ऊपर की ओर, n बराबर mg, तो ये हो गया आपके पास ma, ma p, यानी कि यहाँ से क्या होगा आपके पास m से m कट गया, तो इस बिंदु p का जो त्वरण आ गया आपके पास वो कितना आ जाएगा म्यू जी, ठीक है। तो मान लीजिए आपके पास समीकरण एक है ये, ठीक। तो बेलन के लिए बात कर लेते हैं, तो बेलन के लिए आपके पास यहाँ पर जो टॉर्क होगा वो किसके बराबर होगा आई अल्फा के बराबर, तो टॉर्क कौन लगाएगा यहाँ पे घर्षण लगाएगा फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन की वजह से टॉर्क आ जाएगा आपके पास एफ इंटू आर बराबर आई अल्फा, यहाँ पे अल्फा क्या है इसका कोणीय त्वरण, तो एफ का मान है म्यू एम जी, ठीक है, कितना भाई म्यू एम जी आर बराबर आई, तो आपके पास बेलन का आई होता है यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बटे दो, ठीक है, तो ये हो गया अल्फा, ठीक है। तो यहाँ से एम सेम कर देगा क्योंकि दोनों का द्रव्यमान क्या है समान है, तो अल्फा और एक आर से आर भी खत्म, ठीक है, तो अल्फा का मान आ गया यहाँ से आपके पास टू म्यू जी बटे आर, ठीक है, और ये अल्फा जो अपने अल्फा सी लिखा हुई है, तो प्योर रोलिंग के लिए यानी कि जो आपके पास प्योर रोलिंग मोशन होता है यानी कि कोई फिसलन नहीं होती, तो उसके लिए क्या कंडीशन होती है आपका जो ए सी होता है वो आर अल्फा के बराबर होना चाहिए, यानी कि जो द्रव्यमान केंद्र है और आपके पास जो कोणीय
टोनर है द्रव्यमान केंद्र का, वो इस रिलेशन से सेटिस्फाई होने चाहिए। तो यहाँ से अगर मैं ए सी का मान निकालूं तो अल्फा सी बराबर आर अल्फा, तो अल्फा बराबर ए सी बटे आर, है ना, ए सी बटे आर। तो ये हो जाएगा आपके पास 2 μ g बटे r, r से r कट गया, तो आपके पास यहाँ से ए सी का मान आ गया है ना 2 μ g। तो ये मान लीजिए आपके पास दूसरी समीकरण होगी। ठीक है, अब आपको टाइम निकालना है, यानी कि अगर इसका वेग निकाले केंद्रीय द्रव्यमान का, तो आपके पास वेग कैसे निकाल सकते हो, या फिर बोल दो कि उसी तरह से जो स्थिति यहाँ पे लिखी अपन ने पियर रोलिंग की, एक और शर्त होती है आपके पास, जो वी होता है ये बराबर क्या होना चाहिए आर ओमेगा, यानी कि जो इसका कोणीय वेग होगा, ठीक है ना, ओमेगा। और वी का मान कैसे निकालोगे भाई, शुरुआत में तो आपके पास इसका जो त्वरण आ चुका है, ठीक है ना, किसका, केंद्रीय द्रव्यमान का एसी, तो इसको कैसे लिख सकते हो आप, है ना, या चाहे तो इस बिंदु के लिए जो संपर्क में है, ठीक है, उसके लिए जो आपके पास त्वरण हो जाएगा वी जो प्रारंभ में दे रखा है माइनस ए टी बराबर आर ओमेगा। तो प्रारंभ में ओमेगा तो कितना है, 0, ठीक है, आर और ओमेगा क्या लिख सकते हो, प्रारंभिक ओमेगा तो 0 है, तो अल्फा टी, है ना, ठीक है ना, याद होगी समीकरण वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी आपके पास। इसी तरह से ओमेगा फाइनल बराबर होगा ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। ओमेगा इनिशियल तो क्या है, 0, तो यानी कि सिंपल सा मान आ जाएगा अल्फा टी, ठीक है ना, ये हो गया। और ये जो आपने लिखा है बी इज इक्वल टू बी माइनस ए टी, ये भी किस समीकरण से लिखा अपने, बी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से। अगर नहीं हो रहा तो यहाँ पे देखो आप, जैसे इस बिंदु पी की बात करते हैं ना, है ना, यहाँ पर, ठीक है, जो बिंदु दे रहा है आपको, तो इसके पास क्या होगा, जो ये केंद्र हो गया द्रव्यमान केंद्र, तो द्रव्यमान केंद्र का वेग मान लीजिए आपके पास वी सी है, ठीक है, और ये बिंदु P है, तो इसका वेग आपको VP, तो इन दोनों में संबंध कैसे लिखते हो आप, जैसे BC इधर जा रहा है और ओमेगा घूम के आएगा, तो यानी कि यहाँ पर आपको एक इस ओमेगा की वजह से भी वेग मिलेगा और घूर्णन गति हो रही है, तो आप क्या लिख सकते हो कि VP का मान किसके बराबर होगा, VC है ना, इधर है, और R ओमेगा जब घूम के आओगे आप, तो ओमेगा का उस समय जो दिशा होगी इधर ही होगी, तो ये किधर होगी, तो इसको भी दोनों को जोड़ोगे तो R ओमेगा, तो VC की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, VP माइनस आर ओमेगा, ठीक है ना। तो यहां से लिखा अपन ने वो, ठीक, तो यहाँ पर मान रख देते हैं, और या फिर टी निकालना है तो दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, तो ये तो वी बराबर हो गया, और इसको इधर ले जाओ, तो ये जो ए सी, ध्यान रखना केंद्रीय द्रव्यमान का, ए सी प्लस आर अल्फा इंटू टी। ए सी बराबर क्या होता है, आर अल्फा ही होता है आपके पास, यानी कि टी का मान आ जाएगा वी बटे 2 ए सी, ठीक है ना, क्योंकि एसी बराबर क्या आर अल्फा, तो वी बटे, और वी का मान दे रखा है तो रख देते हैं, तो आपके पास वी का मान आ गया यहाँ से दे रखा है 20 मीटर प्रति सेकंड बटे 2, और एसी कितना आपके पास 2 μ g, यानी कि 2 घर्षण गुणांक 0.5, और जी का मान 10 लेने को कहा आपसे, तो कितना हो जाएगा, ये तो गया इससे, ठीक है, ये भी खत्म, तो गया आपके पास 0.5 × 2 यानी कि 1, दैट इज 1/1 यानी कि 1 सेकंड, यानी कि 1 सेकंड बाद आपका दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा टी बराबर 1 सेकंड। ओके, तो ये आपका आंसर है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा, आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट 8400400400 पर।